केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के एक बयान से एनडीए में बवाल मच गया है। जीतन राम मांझी ने पशुपति पारस को लेकर दिल्ली में बीते मंगलवार 8 अक्टूबर को ऐसी बात कह दी कि यह सीधे चिराग पासवान की पार्टी को जा चुभी। अब बुधवार 9 अक्टूबर को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती ने हमला बोला है। कहा कि पशुपति पारस में कोई गुण नहीं है। सांसद अरुण भारती ने कहा कि रामविलास के उद्देश्य राजनीतिक विरासत को चिराग ही आगे ले जा सकते हैं। देश में रामविलास के जाने से एक दलित नेता की जो कमी है उसको चिराग पासवान ही पूरा कर सकते हैं। जीतन राम मांझी का बयान अस्वीकार्य है। मांझी के बयान का हम लोग खंडन करते हैं। जीतन राम मांझी बताएं कि ऐसी बयानबाजी क्यों कर रही हैं। बीते मंगलवार 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर आरएलजेपी के दिल्ली स्थित केंद्रीय कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें जीतन राम मांझी रामविलास पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित करने पहुँचे थे। इस दौरान उन्होंने यह कहा, पशुपति पारस बाबू थोड़ा अस्वस्थ हैं, लेकिन उनके परिवार वाले और सबके साथ मिलकर सुखद एहसास हुआ। ऐसा लगा कि रामविलास बाबू तो चले गए हैं, लेकिन उनके स्वरूप पारस बाबू हैं। हम लोगों को आशा है पारस बाबू शायद उनकी जो रिक्तियां हैं उसको वह पूरा कर सकेंगे। इस बयान के बाद चिराग पासवान की पार्टी पूरी तरीके से भड़क उठी। बता दें कि पशुपति कुमार पारस और चिराग पासवान के बीच बातचीत बंद है, परिवार बिखर चुका है। पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी है, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी रामविलास है। रामविलास पासवान के निधन के बाद ही पार्टी टूट गई थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए में पारस को एक भी सीट नहीं मिली थी। चिराग को 5 सीटें मिली और सब पर जीत हुई। इसके बाद चिराग को केंद्रीय मंत्री बनाया गया। वैसे अब सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग पासवान को एनडीए में कंट्रोल में रखने के लिए मांझी ने इस तरह का बयान दिया है। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए चिराग पासवान ने जातीय जनगणना, वक्फ बोर्ड, आरक्षण, लेटरल एंट्री पर अलग स्टैंड दिखाया था। विरोधियों के सुर में सुर मिला रहे थे, लेकिन जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बयान दिया है एनडीए में अब फूट पड़ती भी नजर आ रही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेशनल पॉलिटिकल बाइट के साथ।